पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से 4x² + 3x + 5 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। आपको मूल निकालने हैं, यानी आपको x के मान निकाल के बताना है। x के साथ 2 है, यानी कि 2 मूल निकलेंगे। आपको इस्तेमाल करना है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। 4x² + 3x + 5 = 0। तो यहाँ पर मेरे पास प्लस में है, तो मेरे पास लगेगा फॉर्मूला a + b² a² + 2ab + b². तो मुझे ए स्क्वेयर ढूंढना है। तो सबसे आसान तरीका है कि एक्स स्क्वेयर है मेरे पास, ये चार मेरे पास फालतू है, पूरी इक्वेशन को चार से भाग कर देंगे तो एक्स स्क्वेयर के साथ चार भी मेरे पास कट जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x² + 3x/4 + 5/4 = 0 के। अब मुझे a ढूंढना है, a मेरे पास आ गया है x, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं x² + 2ab + 2 * a मेरे पास है x। अब मुझे ढूंढना है b, तो मेरे पास x तो चला गया, सिर्फ 3/4 बचा हुआ है, तो ये 3/4 है। अब इक्वेशन को हम करते हैं बराबर 3/4, या 3/4 यानी 2 हमें गुणा किया है एक्स्ट्रा, तो हम 2 से यहाँ कर देंगे भाग, तो ये पूरी वैल्यू है वह हमारे पास बन जाएगी b, यानी कि जो प्लस का 2² आ जाएगा मेरे पास 3/8² आ जाएगा। हमने प्लस किया है तो हमें माइनस भी करना पड़ेगा, और वैल्यू हमारे पास है 5/4 = 0 के। यानी कि ये जो पूरी वैल्यू है वो हमारे पास इस फॉर्मूले के अंदर बदल जाएगी, तो यानी कि हमारे पास बी की वैल्यू हो जाएगी 3/8। तो यहाँ पर मेरे पास लिख सकता हूँ x + 3/8² बाकी वैल्यू मेरे पास है -3/8² + 5/4 = 0 के। अब इस वैल्यू को भी हम सोल्व कर लेते हैं, साइड में सोल्व कर लेते हैं। -3 * 9, 8 को 8 से गुणा करूँगा तो 64 आएगा, + 5/4 64, और 4 का ले लेते हैं हम एलसीएम, तो ये सबसे पहले कटेगा 2 पे 32, 2 फिर 2 पे 16, 2 फिर 2 पे 8, फिर 1 फिर 2 पे 4 और 1 फिर 2 पे 2 और 1 फिर 2 पे 1 और 1 आ जाएगा। 2 * 4 = 8 + 8 = 16 + 16 = 32 + 32 = 64, यानी कि जो हमारे पास एलसीएम आया है 64, 64 को 64 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, 1 को गुणा करेंगे -9 से तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा -9। 64 को भाग करेंगे 4 से 16 आएगा, 16 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 * 5 = 30, 3 + 5 = 5, 6 + 7 = 8, तो मेरे पास आ जाएगा 80। ये प्लस का हो जाएगा मेरे पास 80, 80 में से 9 जाएंगे तो 71/64 आ जाएगा। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू निकल के आई है x + 3/8² 71/64 = 0 के। ये वैल्यू यहाँ पर मेरे पास है प्लस में, इधर आके हो जाएगी माइनस में, तो हमारे पास वैल्यू आ गई है x + 3/8² = -71/64। ये स्क्वेयर है, इधर आके हो जाएगा अंडर रूट। अगर मैं यहाँ अंडर रूट लगा देता हूँ ये मेरा बदल जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, यानी कि 11th में वैल्यू चली जाएगी। आपने इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ के आंसर लिखना है। पहले मैं आपको थोड़े से बेसिक के बारे में बता देता हूँ कि ये आंसर कैसे आएगा। तो x + 3/8² है बराबर मेरे पास है -71/64, ये मेरे पास स्क्वेयर है, इधर आके हो जाएगा अंडर रूट -71/64। ये माइनस का साइन है, तो जब माइनस का साइन में हटाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 71/64, ये आ जाएगा आयोटा। जो मेरे पास वैल्यू आई है अब ये बदल गई है इमेजरी पार्ट के अंदर, जिसको कहते हैं काल्पनिक भाग। ये आपके पास 11th क्लास में है, यानी कि जो काल्पनिक भाग है, इमेजरी पार्ट है, वह आपका 11th क्लास में है, सिर्फ आपके पास है 10th क्लास में है
सिर्फ वास्तविक भाग, जिसके अंदर ये आयोटा नहीं आता, अंडर रूट करेंगे हम तो हमारे पास पूरा पूरा आंसर आ जाता है। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे हम टेंथ के हिसाब से लिखेंगे, ना कि इलेवंथ के हिसाब से लिखेंगे। सिर्फ आपके पास टेंथ में है वास्तविक भाग, तो मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ एक्स के वास्तविक मान के लिए 2x 3/4 का होल स्क्वायर एक ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो आपका आंसर यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ये हमारा है उत्तर। अब बात करते हैं कम्प्लेक्स नंबर की। जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होता है वो दो पार्ट में लिखा जाता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ 3 × 4 आयोटा, ये मेरा होता है रियल पार्ट, जिसे हम कहते हैं वास्तविक भाग। ये होता है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, जिसे हम कहते हैं काल्पनिक भाग, जो सिर्फ हमारे पास इलेवंथ में है। तो ये हम इलेवंथ के अंदर पूरा चैप्टर करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ आपने वास्तविक भाग ही लिखना है। जब भी आपका क्वेश्चन आ जाएगा माइनस के अंदर इधर अंडर रूट है, ये इधर नहीं आपने लिखना है, तो आपका आंसर सिर्फ यहीं तक ही छोड़ देना है।